ये तैयार हो रहा है रोश, रात के लिए हो रही है। जी तो आज है कोयटा में हमारा दूसरा दिन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कोयटा के कुछ बहुत ही फेमस फूड स्पॉट्स। इनमें से सबसे पहले हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए नेमत कदा पे। जो भी कोयटा आता है वो यहाँ नाश्ता ज़रूर करता है। दोपहर का खाना हम खाएंगे शावली होटल पे, जिनका मटन रोश और अफ़गानी बोटी और काबली पुलाव बहुत ही लजीज है। और रात का खाना हम खाएंगे गुलशन कढ़ाई पे, जिनके पास कढ़ाइयों की तरह तरह की वैरायटीज़ मौजूद हैं। और बलूचिस्तान मशहूर है सज्जी के लिए, और सज्जी जो मशहूर है कोयटा के अंदर वो है लहड़ी सज्जी, तो भाई उसको ट्राई करना तो बनता है। और इस सारे बीच में जो कुछ होगा सारा दिन वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। नेमत कदा का नाश्ते में ऐसी क्या बात है जो इतना मशहूर है? ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, जिसको चाहे इज्जत है, जिसको चाहे ज़िल्लत है। वाह 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 वाह, हर एक अपना मियार होता है, अपनी अपनी चीज़ होती है सर, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। सही बात है, क्वालिटी की वजह से जो है अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है भाई नाश्ते का यहाँ पे। ये चने निकल रहे हैं हलवा पूरी के साथ, और ये चिकन कचौरी। क्या क्या वैरायटी है नाश्ते की? सारा वैरायटी में निहारी है, पाए हैं, और हलवा पूरी है, अंडा पराठा है, और ख़ास चिकन कचौरी होती है। नाश्ते की जो है मेन वैरायटी है यही होती है हमारे पास। ये रखा हुआ है भाई, न्यारी है। अच्छा, ये न्यारी है। ये न्यारी है, और ये जो नफाए, और ये है पाए। जी जी, पाए। अच्छा, ये छोटे के पाए? छोटे के, वो जो बड़े भाई। खुशबू बहुत आला आ रही है, बेहतरीन भाईजान। और कोयटा की चाय तो भाई मशहूर है, वैसे ही हमारे कराची में जगह जगह कोयटा की चाय, कोयटा की चाय, कोयटा की चाय। बिल्कुल बिल्कुल, कोयटा की चाय जब तक पिए नहीं उस वक्त तक दिमाग खुलता नहीं है। हमको अभी उधर से फोन आ रहा है, बोलता है कोयटा का बंदा चाहिए जो चाय उधर ही बना। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कोयटा में खुशामदीद कहते हैं आप। थैंक यू सो मच भाई। ये बासित भाई है, ये कोयटा में ही होते हैं, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। काफ़ी इन्होंने गाइड किया है कोयटा के बारे में हमको। ए बी व्लॉग्स के नाम से इनका अपना चैनल है, और वॉइस ऑफ बलूचिस्तान एक ओवरऑल चैनल है, उसके लिए ये फूड व्लॉगिंग करते हैं। तो बासित भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़बरदस्त। थैंक यू सर। अरे भाई, ये आ गया हमारा पाए का प्याला, और ये आ गई है निहारी। भाई ये हमारा बड़ी ज़बरदस्त सा नाश्ता आ गया है भाई। पूरी आ गई है, निहारी आ गई है, पराठे आ गए हैं, पाए आ गए हैं, ये क्या है? शतरकारी, और ये दही है, दही, चने भी आ गए, हलवा भी आ गया। ये तो एक बहुत बड़ी स्प्रेड हो गई है हमारी ब्रेकफास्ट की। सारी वैरायटी जो है ना वो हमारे लिए ये लेकर आ गए हैं, और इतनी तो हमने मंगवाई नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने खुद से हमारे लिए, नेमत कदा वालों ने जो है वो मेहमान नवाजी हमारी ये की है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। और कोयटा वाले तो वैसे ही मेहमान नवाजी में सबसे आगे आगे हैं माशाल्लाह। वासित भाई आप बताएं, इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ ट्राई करनी चाहिए? सबसे पहले आप पाए ट्राई करें। आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह आप करें। बिस्मिल्लाह, चले मैं करता हूँ। थोड़ी सी ये बोटी भी लूँ ना, बहुत ही गर्मा गर्म पाए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाए का आया भाई, पाए में बहुत ही खुश रंग पाए हैं, और जायका भी इंतहाई मज़ेदार, बहुत ही रिच रोगनी सा टेस्ट है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह पाए। मुझे वाकई बहुत पसंद आया, और जो माहौल बना हुआ है ना अभी ये गरम गरम नान के साथ, और यहाँ की जो वाइब है, सेकंड नंबर पे हम निहारी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही जॉनरा की चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाह। पाए और निहारी में पाए ज़्यादा अच्छे हैं, पाए ज़्यादा अच्छे, हाँ, क्योंकि निहारी असल में मैंने बहुत खाई हुई है कराची में, खासतौर पर, तो निहारी भी अपनी जगह है, लेकिन पाए
इन दोनों में अगर चूज करें तो पाए ज़्यादा मज़ेदार है। पूरी तो भाई बहुत ही गर्मा गर्म बन रही थी साथ साथ, और ये तरकारी इन्होंने दी हुई है, तरकारी भी है और ये छोले भी हैं। मतलब जो जितनी देसी खानों की देसी नाश्ते की जितनी वैरायटी होती है सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नान चने खाने आपने वो भी मिल जाएंगे, पराठा अंडा सब। वाह, ये है भाई कचौरी, ये चिकन की कचौरी है, ये देखिए आप चिकन कचौरी टेस्ट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी चाय आ गई, अभी लस्सी रहने दे। चिकन कचौरी भाई बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर, मज़ेदार, बहुत आला भाई। क्या बात है कोयटा की चाय की, जितनी बार तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। और हमारे भाई लोग कैमरे के पीछे भी है जिन्होंने ये सारा नाश्ता अभी फिनिश करना है, तो हम ये नाश्ता फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे अन्ना लेक और उसके बाद फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है, खैरियत से? शुएब नाम ना आपका? शुएब भाई हमें लेके जा रहे हैं अभी कहाँ? हन्ना झील, हन्ना झील जाएंगे और वहाँ पे वो फलों के बाग भी है ना उधर? अभी तो है बासित भाई, बिल्कुल है, है ना? सीजन नहीं है लेकिन बाग तो है ना वहाँ पे। सीजन कुछ तो होंगे, फूल वूल तो लगे होंगे, बाहर का मौसम तो आ गया है ना भाई। अब सामने एक मॉल आ रहा है भाई, और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल होगा, पाकिस्तान का मॉल में शुमार होगा, शुमार होगा। अभी का अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। भाई अभी ये हन्ना लेक जाते हुए ना, हम थोड़ा हन्ना लेक के रास्ते से आगे आ गए, क्योंकि इस जगह के ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे दोनों तरफ जो है ना वो बाग है सेब के। और जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बाहर का मौसम शुरू हुआ है, और फल के जो फूल होते हैं ना पहले वो आ गए। बहुत ही खूबसूरत मंजर है दोनों तरफ, और जब इसके अंदर सेब लगेंगे तो फिर तो अलग ही माहौल होगा भाई। झील 1.5 किलोमीटर यहाँ गाड़ी छोड़नी पड़ती है, और यहाँ से फिर आप पैदल जाते हैं। पहुँच चुके हैं हम अपनी मंजिल पे, आ गई है भाई हन्ना लेक। हन्ना लेक तो आ गई है लेकिन लेक यहाँ पे गायब हो चुकी है वासिफ भाई। बिल्कुल, हन्ना लेक असल में अभी जो है ना वो बारिशों की वजह से और बर्फ़ से पानी पिघल के आता है, लेकिन अब ये झील जो है ना वो तकरीबन खुश्क हो गई है। पहले ये पूरे यहाँ तक इसका पानी होता था, तो हमने सोचा कि शायद पानी होगा, लेकिन पानी जो है वो थोड़ा सा कोने में है हल्का सा, लेकिन खैर ये झील जो है ना आर्टिफिशियली बनाई गई थी यहाँ पे जो बागात हैं और उन सब की देखभाल के लिए, पानी के को स्टोर करने के लिए, और बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के दौर में बनाई थी, उस ज़माने की झील है, लेकिन अब ये खुश्क हो गई है भाई। भर जाती है, आप टेंशन नहीं है, जब आप आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए भरवा देंगे बासित भाई, भरवा देंगे आपके लिए। क्यों से भरवा रहे हैं? चाय का छोटा सा ब्रेक हमने लिया है, और लंच के लिए क्या रिकमेंडेशन है बासित भाई? लंच के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी हम जाएंगे शावली होटल, जो कि सूरजगंज बाजार में वाकई है। वहां पर आपको एक्सट्रीमली जो बलूचिस्तान के ट्रेडिशनल खाने वो मिलेंगे। ओहो, बहुत ही जबरदस्त मॉल बनने वाला है, हैवी सीन सूरजगंज बाजार में पहुँच गए भाई हम। सूरजगंज बाजार किस चीज़ के लिए मशहूर है बासित भाई? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा मिलते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। सूरजगंज के ये नाम पुराना है काफ़ी, बहुत पुराना है, बस सूरजगंज बाजार इसे कहते हैं। अच्छा, इसी से पहचान कोई स्ट्रीट, और ये हमारे पास शावली होटल
शावली होटल, ये कोयटा के कदीम होटल है। शावली होटल, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत? ओहो, ये माहौल बना हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तैयार हो रहा है रोश? ये रात के लिए तैयार हो रहा है। अरे भाई, रात के लिए हो रहा है ये रात के लिए तैयारी हो रही है भाई। क्या ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यार। ये यहाँ पे जो है ना, वो लकड़ियाँ रखी हुई हैं। बहुत ही पुराने स्टाइल का ये ढाबा है भाई, कदीम। और ये रात के लिए रोज तैयार हो रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो वो तो तैयार हो चुका होगा अभी। बहुत बड़ा सा ये अलाव जल रहा है लकड़ी का, और शदीद गर्मी आ रही है यहाँ पे इस आग की वजह से। और इतनी बड़ी बड़ी ये प्याज डाली गई है भाई, ज़बरदस्त। अच्छे मौके पे आ गए हम, के बनते हुए भी नज़र आ गया हमें। ये हम सही मौके पे आ गए कि बनते हुए नज़र आ गया है? बस अब रख देंगे इसको, ये रख देंगे 4 घंटे, 4 घंटे के लिए। अच्छा, तैयार शुदा रोज दिखाओ, तैयार शुदा रोज दिखाओ। ये तैयार शुदा रोज रखा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये तैयार शुदा रोज रखा हुआ है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे खुशबू आ रही है। और ये भी रोश है। ओह, ये तो अभी पतीला खुला है मुझे लग रहा है, है? क्या खुशबू आ रही है यार। ये बड़े बड़े इसके अंदर बड़े बड़े पीस डाले जाते हैं। हाँ जी, किलो में 3 पीस है। किलो में 3 पीस डाल, अच्छा, किलो के 3 पीस डाले जाते हैं। 1 किलो में 3 पीस हम लोग बनाते हैं। उसमें और क्या क्या डलता है रोश के अंदर? ये आलू बुखारा है, प्याज है, नमक है, बस ये 3 चीज़ें, घी है, ये 3 चीज़ें। कितना पुराना होटल है शावली? ये तकरीबन 42 साल हुआ है। 42 साल जी। ये दाल भी है यहाँ पे, अच्छा, दाल के अंदर भी इसकी यखनी डाल के दे रहे हैं आप रोश की, हैं? ताकि रोश का टेस्ट दाल में भी आ जाए, दाल में आ जाए। वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये काबली पुलाव, अच्छा, ये काबली पुलाव के लिए गोश्त है। अरे, ये अलग गोश्त होता, अलग होता है, चावल अलग होते हैं? अच्छा, ये कितना माशाल्लाह कितने किलो गोश्त होता है, ये क्या होता है? रात दिन जो है 220 किलो, रात के लिए 220 किलो, रात और दिन 220, रात और रात और दिन 110, रात 110। अच्छा माशाल्लाह, 220 किलो, 220 किलो पूरे दिन में। बकरा है, बकरा होता है, दुम्बा होता है, ये बकरा है। चर्बी किसकी डालते हैं? वो भी बकरा, सब कुछ बकरा। ठीक है, नीचे के ऊपर करते रहते ताकि लगे नहीं, नहीं लगे नहीं, ऊपर और नीचे सब बराबर आ जाए, ऊपर थोड़ा सख्त होते हैं, नीचे ज़्यादा। अच्छा अच्छा, नरम होता है तो वो मिक्स हो जाते हैं इस तरह। ज़बरदस्त यार, कितना बड़ा ये पतीला है चावलों का। अच्छा, ये जितना गोश्त है सब में जो है वो चर्बी भी है साथ में, चर्बी ज़रूरी होती है उसके साथ जो है। सादा काला गोश्त भी आता है उसमें, हाँ, और ये जो चर्बी से ज़रा गोश्त में टेस्ट आता होगा ना, इस वजह से जितने भी पीसेज है ना, इनको इस तरह से काटा गया है कि हर गोश्त के अंदर जो है वो चर्बी की एक बड़ी मकदार हर पीस के अंदर मौजूद है। उस चर्बी से ही जो है ना वो गोश्त के अंदर टेस्ट आता है, क्योंकि मसाले इसमें सच गलते नहीं है, नमक ही होता है खाली, मेनली नमक ही होता है। बहुत आला, भाई ये नान जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही हैपनिंग सीन बना हुआ है। और काफ़ी कदीम होटल है ये, और अभी तक इसकी जो लुक एंड फील है ना वो उसी तरह की इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पे आप ये देखें, ये ऊपर बैठे हुए लोग यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं, ऊपर शेड लगा हुआ है,
और यहाँ ऊपर बैठ के लोग आराम से खाना खा रहे हैं, ये रोटियाँ पार्सल हो रही हैं, तो एक अलग ही माहौल है यहाँ का जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। कबाबों का माहौल जो है वो यहाँ बना हुआ है भाई। ये जो चीज़ है ना इसकी बात ही और है। अब ये ऊपर लोग बैठे हुए रोश काबली पुलाव और अफगानी बोटी एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज ये आइटम है ना सही, ये आ गया रोश और ये आ गया काबली पुलाव। जबरदस्त से खाना आ गया हमारा और भाई रुका नहीं जा रहा, बेहतरीन से पुलाव पानी पोटी। सबसे पहले तो हम इसी से शुरुआत करें क्योंकि ये अगर ठंडी हो गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट ये आइटम तो ऐसा होता है कि इसके ऊपर हाथ ही नहीं रुकता, हाथ ही नहीं, कोई मसाला सर, सिर्फ नमक, सिर्फ नमक और दुम्बे की चिक्की चक्की। ये है भाई रोश और ये देखिए अभी आप जो मैं ये करने वाला हूँ ना, यार ये होती है चीज़, ये इतने बड़े बड़े इसके साथ ये नान भी हैं जो हाफ हुए हुए, बहुत बड़े बड़े कंदारी नान होते हैं। ये गोश्त हो रहा है गरम, ये होता है असल चीज़ कि आपने सिर्फ हाथ रखा और गोश्त जो है ना ये रेजा हो जाए गोश्त, इतना सॉफ्ट इतना नरम व मुलायम। बिस्मिल्लाह। गोश्त तो ऐसा है कि मुंह में रखें और आप चबाने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, आप जो है ना ये बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल अच्छे की तरह बिल्कुल जाता है, बिल्कुल पिघल गया आपके मुंह में गया और पिघल गया, मेल्ट इन योर माउथ वाला सीन है ये कि जो है ना ये रोश और ये वानी मोटी, ये हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं पाकिस्तान के और इनका भाई कोई मुकाबला नहीं है भाई। ये थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा लोबिया भी इसके साथ मिक्स करके देते हैं और इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। क्या तासुरात अहमद भाई आपके? मेरा ख्याल है कि जो रिवायती तौर पर हम कराची में खाते रहे रोश उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है और यहाँ आकर पता चलता है कि बिल्कुल ही अलग ज़ायका है, बहुत मज़ेदार। ये आइए भाई चक्की आली, शुएब भाई ने जो है ना ये स्पेशली मंगाई है एक सीख सिर्फ चक्की की, दुम्बे की चक्कियाँ बर्फ़ी की डलियाँ हैं। वाह ये भाई काबली पुलाव, इसमें भी एक मीट का बड़ा सा चंक है। काबली पुलाव टेस्ट करते हैं भाई, बिस्मिल्लाह। हर चीज एक से बढ़ के एक भाई, गोश्त का जायका तो अपनी जगह है लेकिन जो चावल है ना जो राइस है वो इंतहाई खेले के लिए इंतहाई अलग अलग है और ऑयल की एक सही मकदार इन चावलों के अंदर है। किशमिश और गाजर भी पूरे चावलों में मिक्स हुई है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर डले हुए खाली, और तो खाली राइस भी अगर आप खाएं ना तो उनका भी बहुत ही ज़बरदस्त जायका है क्योंकि गोश्त का यखनी जो है ना इसके अंदर पूरी उसी के अंदर ये पुलाव बनता है, वेरी नाइस। और इतने हैवी खाने के बाद जब तक सब चाय ना आए जब तक मज़ा नहीं आएगा है। लीमू है क्या? लीमू भी तो लाओ ना ज़रा सा। ये आ गया लीमू भाई, इतना जो हैवी खाना है ना उसको हज़म करने का एक आसान नुस्खा है और वो ये ग्रीन टी और उसके अंदर ये लेमन। ये ग्रीन टी आपने पी ली तो जितनी आपने चर्बी वर्बी खाई है ना वो सब
हजम। मजा आ गया। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ। अगले पार्ट में आप देखेंगे गुलशन कढ़ाई और लहड़ी सब्जी, जहाँ पे हमने खाया था रात का खाना। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाली हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।